Assalamualaikum, welcome to you my YouTube channel. I hope you are doing well. Today I want to explain what is purpose of survives in the workplace of shoes. उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कंप्लीट वीडियो को वॉच करें और बेल आइकन को प्रेस करते हैं। बेल आइकन को प्रेस करने से यह मेरी अपडेट वीडियो जो आपको मौसूल हो जाया करेगी, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब से मांगा करो, वो बिना इस एहसान के जोलियाँ भर देता है, ठीक है। तो भाई सबसे पहले मैं आपको यही गुजारिश करता हूँ, जो भी आप काम करें उससे पहले अल्लाह पाक का नाम ले लिया करें, जिसकी वजह से आपके काम में बरकत होगी और आपका काम भी जल्दी हो जाए करेगा, ठीक है। तो जैसे इस पोस्ट में लिखा हुआ है वैसे। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी मुश्किलें आसान करे, आपको अल्लाह पाक हर मंजिल में कामयाब करे और आपके आने वाली ज़िंदगी में आप कामयाब हों। बात स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कंप्लीट वीडियो को देखा करें और कंप्लीट वीडियो को समझा करें, समझ के अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही अमल करें, ठीक है। इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगा करें तो काइंडली कमेंट बॉक्स में बता दिया करें कि आपको समझ आ गई है, ठीक है। अगर आपको ना समझ आया करे तो भी आप कमेंट करके बता दिया करें कि ये वर्ड हमें नहीं समझ आया, उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, आज का टॉपिक जो है वो ये है कि आपने जॉब वाली जगह पे अपने सर्वाइव कैसे करना है, ठीक है। ये चीज़ है तो इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, नॉर्मल चीज़ नहीं है, ठीक है। है तो ये कॉमन है, ठीक है, आम है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप काम कर रहे हैं, ठीक है। काम करते दौरान कोई आपका कलीग्स आ गया या आपका कोई सीनियर आ गया या कोई एनी हो पर्सन आ गया आपके पास, आपकी और उसकी आपस में गुफ्तगू हो रही है, ठीक है, कन्वर्सेशन हो रही है, डिस्कशन हो रही है, ठीक है। तो जो भी डिस्कशन हो रही है उसके बाद एक थर्ड पर्सन आपके पास आया, ठीक है, तो उसने अपनी बात करना स्टार्ट कर दी है, जबकि आप दोनों बहुत ही मोटिवेट से बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उस बंदे ने इस बात पे नहीं सोचा, ये दोनों बंदे बात कर रहे हैं, बात भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उसने आकर बात करना स्टार्ट कर दी है। दिस इज़ वेरी नेग्लिजेंसी ऑफ पॉइंट, ये बहुत बड़ा, ठीक है, नेग्लिजेंस पॉइंट होता है कि दो बंदे पहले बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन आया है, ठीक है, उसने बात करना स्टार्ट कर दी है। भाई ये चीज़ आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। इससे बहुत ही जगह पे आपकी रिस्पेक्ट में कमी हो सकती है, ठीक है, और आपको चाहे आप कितनी भी एजुकेशन लेवल के हों या आप अनएजुकेटेड हों, ठीक है, फिर भी आपके डिफरेंस होगा, ठीक है, फ़र्क आएगा कि भाई इस बंदे को इतना ही नहीं पता, दो बंदे बात कर रहे हैं, इस बंदे ने बात भी नहीं सुनी, अपनी बात स्टार्ट कर दी है, ठीक है। तो ये बात आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जब दो बंदे आपस में बात कर रहे हों, ठीक है, तो आपने अगर आप उनके पास पहुँच गए तो आपने वहाँ पे स्टैंड हो जाना है, खड़े हो जाना है, ठीक है। जब तो उतनी देर के लिए आपने वेट करना है जितनी देर तक वो दोनों खामोश नहीं हो जाते, जब वो खामोश हो जाएं तो आप बात कर ले, ठीक है। इस दौरान में जो भी आपका व्यू आएगा, वेटिंग इट्स वेरी बिगेस्ट प्रॉब्लम, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो वीक हो, लेकिन भाई ये वेट करना आपकी सेल्फ को अबव करेगा, ठीक है, क्लियर करेगा। तो आज की मेरी वीडियो यही थी। तो वीडियो समझ आई हो तो काइंडली शेयर कर दिया करें, शेयर करने से ये फ़ायदा होगा कि अच्छी बात अगले बंदे तक भी पहुंच जाएगी, ठीक है। तो अपने लिए भी दुआ किया करें, मेरे लिए भी दुआ किया करें, ठीक है।
तो अगर आप कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बता दें।